हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, एलियंस क्वेस्ट रेड्स हमारी लाइव है, तो यार एक लाइव एग्जांपल देना बनता है तुम लोगों को। या लिटरली मैंने भी जब इस चीज़ को फेस किया या फिर मैंने ये खेला, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, बट एक बार मैं तुम लोगों को लाइव समझाना चाहता हूँ ये है क्या। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें तीन पाथ दिख पा रहे होंगे। तीनों पाथ में तुम ये समझो, पहला वाला जो है वो वैनगार्ड का है, राइट वाला असॉल्ट का है, और जो सबसे लेफ्ट में है वो है टेक्टेशन का। अब जो तुम लोग देख सकते हो, मैं अभी निपट चुका हूँ, मेरा खेल ओवर है, बट मेरे पास है हल्कलिंग। हल्कलिंग एक टेक्टेशन है, तो टेक्टेशन वाले पाथ पे मुझे जाना था। मैं राइट में टेक्टेशन वाले पाथ पे गया था, इस वाले पे जिसमें मैंने माइस्ट्रो के अगेंस्ट मेरा अपोनेंट था। तो माइस्ट्रो के स्पेशल वन में मुझे हमेशा से तकलीफ़ रही है, बट मैं गया क्योंकि वो मुझे नियरेस्ट सबसे मतलब बॉस लग रहा था फाइट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, लोगों को समझ नहीं आया, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं गया था ना, तो मैं तुम्हें इसमें एक अभी वीडियो अटैच कर दूँगा, तो तुम लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। ठीक है, तो उस वीडियो से मुझे ये समझ में आ चुका है कि ये जब भी हम किसी टेक्टेशन या फिर असॉल्ट पर जाएंगे, तो वो जो तीन चीज़ें हैं वो बर्फ्स हैं। वो बफ हमें पर्टिकुलरली पर चैम्पियन या फिर पर क्लास मिलेगा वैनगार्ड एंड उन तीनों में से। मान लो मैंने वो बफ सेलेक्ट किया जो मेरे चैम्पियन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है, जैसे मैंने उसमें सेलेक्ट किया था कि ज़्यादा ज़्यादा बफ वाला, क्योंकि हल्कलिंग बहुत ज़्यादा बफ्स गेन करता है, तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। अब बात रही माइस्ट्रो के अगेंस्ट जाके क्या करना है, ये हमको नहीं पता भाई, रेट चार्जेस कैसे मिलेंगे। तो आप लोगों ने शायद मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था, बट रुको उसमें से ही मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं आप लोगों के लिए, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो माइस्ट्रो अभी मेरा बॉस है, तो माइस्ट्रो को कैसे मारना है, लिखा है था अटैकर्स मस्ट पनिश द डिफेंडर विद हैवी और स्पेशल अटैक्स ईच टाइम दे डन सक्सेसफुली गेन अ रेड फेवर। अब ये रेड फेवर जब भी हमें मिलेगा, तो हम उसे हैवी या स्पेशल से मारना पड़ेगा माइस्ट्रो को, उससे हमको क्या मिलेगा, वही रोल चार्ज। ठीक है, तो कैसे मिलेंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो रोल फेवर के हिसाब से अगर मैं हल्कलिंग को लेके गया था, ठीक है एक सेकंड रुकना, इसी में है हल्कलिंग के बारे में भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था। ठीक है, तो ये रहा, हम लोग जैसे अभी टेक्टेशन थे, ठीक है टेक्टेशन को छोड़ो, अभी हम वैनगार्ड की पहले बात करते हैं, हमें तो चैंपियन टू चैंपियन बनना है। वैनगार्ड में तुम लोग देख रहे हो तीनों बफ्स, ठीक है, तो तीनों बफ्स में तुम लोग देख रहे हो फॉर ईच आर्मर ब्रेक है वो, इनमें से तुम एक बफ सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और अपोनेंट के हिसाब से वो करोगे। जैसे कि सबसे पहला वाला ये है वैनगार्ड का शील्ड स्मैशर, इसमें क्या होगा, मिशन मतलब ईच आर्मर ब्रेक डीबफ एक्टिव ऑन द डिफेंडर। ठीक है, क्या लिखा था, एक सेकंड, इंक्रीज द रेट फेवर गेन्ड फ्रॉम मिशंस बाय 6 फॉर ईच। ठीक है, तो आर्मर ब्रेक जितने ज़्यादा होंगे उस हिसाब से है, बट आर्मर अटैकर के जो ब्लॉक है, मतलब वेन एवर द अटैकर ब्लॉक सेंड, जब भी हम ब्लॉक करेंगे तो सामने वाले पे का आर्मर ब्रेक आ जाएगा। तो एक तरीके से ये उन चैंपियंस के लिए बना है, उन पर्टिकुलरली चैंपियंस के लिए बना है जो आर्मर ब्रेक डालते हो या उन्हें आर्मर ब्रेक से बहुत हेल्प मिल जाती हो। जैसे कि तुम लोग कह सकते हो कुछ आर्मर ब्रेक डालने वाले चैंपियंस को, हल्क बस्टर हो गया और बहुत सारे हैं यार, मतलब जो फेवर करता हो तुम्हें उस हिसाब से। ठीक है, वैनगार्ड हो गया, असॉल्ट हो गया, तो क्या होगा जब मैं ये आर्मर ब्रेक डालूंगा, तो ये रोल फेवर होगा, रोल फेवर मुझे मिलेगा, वैनगार्ड का रोल फेवर मुझे मिल गया। रुको मैं फिर से समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया। रोड मैंने वैनगार्ड को सेलेक्ट किया, वैनगार्ड चैंपियन जैसे हल्क बस्टर किया, उसके बाद मैं गया उस वाले पाथ पे जिसमें वैनगार्ड है, कहाँ गया, ये बीच वाला। ठीक है, उसके बाद मुझे ये तीन बफ्स मिलेंगे, इन तीन बफ्स में से सबसे ऊपर वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया शील्ड स्मैशर, ठीक है, जिसमें मुझे आर्मर ब्रेक डालना है। उसके बाद में जैसे ही सामने वाले पे इस हल्क बस्टर से आर्मर ब्रेक डालूंगा स्पेशल वन मार के, फिर क्या करना है मुझे, उस मुझे मिल जाएगा रेड फेवर। अब वो रेड फेवर मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ वैनगार्ड का माइस्ट्रियो के खिलाफ, माइस्ट्रियो के खिलाफ मैंने यूज़ करना है, तो माइस्ट्रियो के खिलाफ जब मुझे यूज़ करना होगा, तो मुझे वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, जब भी मुझे रेड फेवर मिलेगा आर्मर ब्रेक डाल के, मुझे पैरी करके एक हैवी मार देना है। क्यों हैवी मार देना है, मैंने अभी बताया था कि जब भी तुम्हारा अपोनेंट माइस्ट्रो होगा ये रहा, तो तुम्हारा जो वो रेड फेवर्स हैं वो रोल चार्ज में पलटे जाएंगे हैवी अटैक मारने से। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है,
कैंग के लिए वो चीज होती है कॉम्बो का एंड करके मीडियम और लाइट से, ठीक है, रोड फेवर को रोड चार्जेस में कन्वर्ट करना, ठीक है। वही थेनोस के लिए, तो थेनोस के लिए कुछ और अलग है, ब्लॉक अ हिट, तो मैं ब्लॉक करना एक हिट को। अब जैसे उसमें क्या था, ब्लॉक का हिट करके आर्मर ब्रेक पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था ब्लॉक करोगे तो उसमें वैनगार्ड में सबसे ऊपर वाला जो बफ था शील्ड स्मैशर, उसमें दिख रहा है कि ब्लॉक पे हिट लोगे तो आर्मर ब्रेक पड़ेगा। आर्मर ब्रेक पड़ा, ठीक है, थेनोस पे, तो तुम्हारा रोल फेवर बना, तुमने अकेला भी हिट ब्लॉक किया तो रोल फेवर तुरंत रोल चार्ज बन गया। कितनी मस्त चीज़ है ये, ठीक है। मुझे भी ये चीज़ खेल के ही पता लगी, क्योंकि यार टाइम लगता है हर चीज़ को समझने में, लेकिन तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी होंगी मेरे हिसाब से। नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुम लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जैसे तुम लोग देख सकते हो वैनगार्ड है, हाइपीरियन, हाइपीरियन ये सब है, तो इनमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ब्लॉक कर देना है, आर्मर ब्रेक डालो थेनोस पे, फिर उसके फिर ब्लॉक करो उस पर, वो हो जाएगा, तो थेनोस बॉस का तो काम हो गया। उसके बाद में जैसे मैंने उसमें अभी गया था, जब इसमें क्या कहते हैं, तुम लोग देख सकते हो, एक सेकंड रुको, ठीक है, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मैं इसके अगेंस्ट गया था, इसका नाम है हमारा, एक सेकंड रुको दिखाता हूँ, शायद इसमें प्ले नहीं हो रही है ड्यू टू सम इशू, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रही है, एक सेकंड, डिटेक्ट HDMI केबल, ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया था, तो इसने मुझे तीन चैम्पियन सेलेक्ट करने का मौका दिया था, ठीक है, तीन चैम्पियंस का, असॉल्ट, वैनगार्ड, उसमें मैंने टेक्टिशियन को किया था खूब सब देख के, हल्कलिंग को, इसने मुझे डेंजर दिया था कि वो रोल चार्ज माइस्ट्रो पे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैं गया टेक्टिशियन पे, ठीक है, टेक्टिशियन में गया, मुझे तीन वो मिले, जैसे मैंने बताया था तीन बफ्स मिलेंगे, तीन बफ्स मैंने सबसे ऊपर वाला इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ईच बफ मेरे पास, ठीक है, और उससे मुझे क्या मिलेगा, वो मिलेंगे मुझे रोल फेवर। अब मान लो जैसे मेरे ऊपर हल्कलिंग से बहुत सारे बफ्स हैं, तो मुझे मिलेंगे उससे रोल फेवर, और मैं जब भी माइस्ट्रो को हैवी अटैक मारूंगा वो सारे रोल फेवर्स चेंज हो जाएंगे, रेड फेवर चेंज हो जाएंगे तुम्हारे, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे रोल चार्ज में, ठीक है। तो मेरे जो अटैक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पोटेंसिटी मिल जाएगी। मैं मानता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत पिटा था, ठीक है, बट एक सेकेंड, मैंने शायद रिकॉर्ड भी नहीं किया गाइस, ठीक है, एक सेकेंड रुको, शायद किया है, एक सेकेंड देना, जुड़े रहो वीडियो पे, ठीक है, तो दिखाता हूँ। नहीं मैंने वो वाला नहीं डाला है, मैंने यार 50-60 हज़ार के भी हिट मारे हैं, पर यार चीज़ें तुम लोगों को क्लियर हुई होंगी, ठीक है। उसी तरीके से तुम लोगों को कैंग के खिलाफ क्या है, कैंग के खिलाफ कॉम्बो को एंड करना है लाइट से, अल्ट्रॉन के खिलाफ क्या करना है, अटैकर डिफेंडर डिफरेंट स्पेशल अटैक, डिफरेंट स्पेशल अटैक्स है, तुम लोग रोल फेवर को रोल चार्ज में बदल लोगे। सबसे पहले एक बेस्ट बफ सेलेक्ट करो तुम्हारे चैंपियन के अकॉर्डिंग, उसके बाद में उनसे रेड फेवर चेस्ट करो, चार्ज करो, फिर उसके बाद में जो तुम्हारा जिस भी तुम बॉस से लड़ने वाले हो उसके खिलाफ देख लो क्या ऑब्जेक्टिव है और उन्हें कन्वर्ट कर लो चार्जेस को। दैट्स ऑल गाइज, मतलब इतना ही है इसमें रेड फेवर और उन सब में। आप लोगों को मेरे हिसाब से तो समझ आया होगा जितना मैंने समझाने की कोशिश करी है, बाकी ना समझ में आया तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से एक रेट पे वीडियो ले आऊँगा। आप सब कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहे हो गए, तो इसलिए मैंने सोचा यार ये वीडियो बनती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थंब और शेयर करना भाई इस वीडियो को जिनको ये इस बार समझ नहीं आया है। और हाँ, ये जो रेड कलर का तुम्हें बॉक्स दिख रहा है, ये सिर्फ एक प्लेयर सेलेक्ट, एक ही प्लेयर को मिलेगा। डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। बट ये देखो यहाँ पे रेड, मान लो इस बात पे आया, मैं, मेरा दोस्त और एक और दोस्त, तीन लोग आए इस बात पे, एक टेक्टिशियन, एक वैनगार्ड और एक असॉल्ट। एक ये रेड बॉक्स मैंने ले लिया, एक मेरे दोस्त ने ले लिया, एक एक दोस्त ने ले लिया, तो इन तीनों चेस्टों में तीन प्लेयरों को एक एक चेस्ट लेनी है, ठीक है, ऐसा करके ख़त्म होगा। फिलहाल पहले इन चैंपियंस को मार लो, बाकी बातें तो बाद में करेंगे, बाकी स्टे ट्यून। बाकी गाइस एक ऐड ऑन है, यहाँ तक की वीडियो हमारी फिनिश हो गई थी, बट यार कुछ सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है यार। सबसे पहले रिक्वेस्ट थी एक सब्सक्राइबर की, जो मेरे को एक मिनट यार यूट्यूब पे ही जाके देखना पड़ेगा, एक सेकंड आप लोग रुकना, जिनने वीडियो देख लिए यहाँ तक इट्स ओके गाइस, बट ये थोड़ा डाउट सेशन है,
तो मैं इन डाउट्स को ख़त्म करने के लिए ही रुका हुआ हूँ। सबसे पहला डाउट था मेरे एक सब्सक्राइबर का भाई, कि हमको ये बता दो कि जो तुम्हारा एक्ट 7 पॉइंट, एक सेकंड रुको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, उसने मुझसे पूछा था कि एक्ट 5 का जो लास्ट वाला बॉस है अल्ट्रॉन, उसे किससे मारे। भाई देख, मैग्नीटो ले जा, बहुत बढ़िया रहेगा उसके लिए। और दूसरा चैंपियन लोकी नहीं आता है करना, तो मैं सिखा दूंगा। मैग्नीटो का यूज़ करना आसान है, मैग्नीटो सिंपली मार देगा। लोकी में थोड़ा सा अलग है, बट ये है लोकी 3 स्टार भी से मार देता है, मैंने मार रखा है, ठीक है पर्सनली। बाकी एक सेकेंड सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि एक्ट 6 में भाई चैप्टर 2 में इस सिनिस्टर वाली क्वेस्ट पर अटका हुआ हूँ। तो भाई देख, सिनिस्टर के लिए अच्छे कौन से चैंपियंस हैं, एक तो वॉरलॉक अच्छा है, ठीक है वॉरलॉक अच्छा है, निम्रोड कह सकते हैं अच्छा है, बट वॉरलॉक बहुत अच्छा है क्योंकि उसका रीजनरेशन रेट रोक देता है, एबोनिमेशन अच्छा है, और आर्केंजल भी अच्छा है। आर्केंजल उसका रीजन रोक देगा, एबोनिमेशन के पॉइजन से उसका रीजन रोकेगा, पर एबोनिमेशन उतना काम का होगा नहीं क्योंकि वो स्पेशल वन के बाद तुम्हारे पॉइजन तुम पे फेंक देगा और उसका तुम रीजनरेट कर लेगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो आर्केंजल पे फोकस रखो। आर्केंजल इस चीज़ को कर सकता है और तुम्हारा वॉरलॉक कर सकता है। फिर भी अगर ये दोनों चैंपियन भी नहीं है तुम्हारे पास, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हील रिवर्सल के लिए तुम ग्लूटीन को यूज़ कर सकते हो। ये तीनों भी नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इस पर थोड़ा, मुझे अपने चैंपियंस कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें और बता दूंगा क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी आई होप गाइज यू एंजॉयड, एंड ये थोड़ा बस एंड में डाउट्स के लिए ऐड किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।